एक रानेश्वर थाना अंतर्गत कटलिया जंगल में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे जो एसएसबी के जवान नीरज छेत्री का भी शहीद हुए थे। उसे एनकाउंटर में बहुत सारे नक्सलियों द्वारा जो है अपना हथियार छोड़ के जंगल में छुपा के भाग गए थे। तो हमको रेगुलर सूचना मिल रहा था कि उस जंगल में बहुत सारा हथियार छुपा के रखा हुआ है। तो हम लोग लगातार जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किए थे जो एसएसबी और दुमका पुलिस के द्वारा। हम लोगों को दो रेगुलर इंसास जो पुलिस से लूटा गया था वो रेगुलर इंसास हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। इसके जो दो रेगुलर वेपन्स है, जो एक अमरजीत बलियार सर का जो इंसिडेंट हुआ था 2013 में, उसमें मनोज कुमार हेम्ब्रम जो पाकुड़ जिला बल का सिपाही है, उनके हाथों से ये यानी कि उनका इंसास जो है लूटा गया था। इसके अलावा जो दूसरा इंसास है, 2014 लोकसभा इलेक्शंस में पलासी गांव में शिकारी पाड़ा अंतर्गत पोलिंग पार्टीज और पुलिस पार्टी के हमला के ऊपर हमला हुआ था। उसमें आरक्षी 515 रघुनंदन झा उनके यहाँ से हथियार लूटा गया था। इसके अलावा हमारे यहाँ से 383 लाइव राउंड्स बरामद हुआ है, एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है और 8 मैगजीन्स जो इंसास के हैं वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा ढेर सारा नक्सल लिटरेचर, पिट्टू, फुल थ्रो सभी बरामद हुआ है। और ये पूरा जो है जॉइंट ऑपरेशन के चलते हुए और हमारा सूचना तंत्र जो है मजबूत होने के कारण ये सभी जो है हम लोग ये सभी जो है इमीडिएट एक्शन करके हम लोग एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा जो है भारी मात्रा में हम लोगों को उपलब्ध पाया जा रहा है। सर,